ये देखो प्यारे बच्चों, ये कहता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है और इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर अगर मैं फोटॉन्स डालता हूँ, यहाँ से कुछ फोटॉन्स डालता हूँ, इस मटेरियल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, और जो मैं फोटॉन्स यहाँ से डाला, फोटॉन्स, वो फोटॉन्स उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे यार, द इलेक्ट्रॉन विल रेडिएटेड फ्रॉम हियर, और वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ये कहता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये है फोटॉन्स, ये है मेटल। कहता है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू लाइटर देन इज प्रोपोर्शनल टू, अब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं तो वो किस बात पर डिपेंड करता है, क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। आप ग्राफ पढ़े होंगे कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स और करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी और क्यू होता है एन ई बाई टी, तो पर सेकेंड की बात करोगे तो आई इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी से सिर्फ इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड, ज़्यादा फोटॉन्स डालोगे तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो, ये कहता है कि